हेलो फ्रेंड्स, सारनास किचन में आपका स्वागत है। आज सीखेंगे बाजार जैसे खमण घर पे कैसे बनाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कटोरी बेसन, 1 चम्मच नींबू के फूल, 4 से 5 चम्मच शक्कर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच सोडा, पानी। वघार के लिए हमें चाहिए 4 से 5 चम्मच तेल, 1 से 2 चम्मच तिल्ली, राई, मिर्ची, 2 चम्मच शक्कर, धनिया, नीम, नमक और मिर्ची और पानी। सबसे पहले बेसन को छान लीजिए। अब उसमें नींबू के फूल, शक्कर और नमक डाल दीजिए। अब अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करते जाइए। घोल ज्यादा पतला नहीं करना है। आप देख सकते हैं मैंने बेसन कैसा रखा है। अब कुकर चढ़ा दीजिए। प्लेट में तेल लगाकर थोड़ा गर्म होने दीजिए। अब बेसन में सोडा डालकर उसको अच्छे से हिलाइए जब तक बेसन फूल न जाए। आप देख सकते कैसा फूलने लगा है बेसन। अब प्लेट में डाल दीजिए। अब फुल फ्लेम पे 10 से 15 मिनट होने दीजिए। खमण तैयार होता है तब तक हम बघार की तैयारी करते हैं। पहले तेल डालिए कढ़ाई में। तेल गरम होते ही राई डालिए। तिल्ली डाल दीजिए। इसमें नीम डाल दीजिए, हरी मिर्ची डाल दीजिए। अब नमक और मिर्ची भी डाल दीजिए और जल्दी से पानी डाल दीजिए। पानी आधी से पौन ग्लास डालना। अब शक्कर डाल दीजिए। अब बघार को थोड़ा उकलने दीजिए। अब अपन खमण चेक करते हैं कि बना है कि नहीं। आप देख सकते खमण कितना अच्छा हो गया है और प्लेट से अलग हो गया है। अब खमण बन के तैयार है। अब एक प्लेट लेके उस पे से निकाल लीजिए उल्टा करके।
आप देख सकते कितना अच्छा खमन निकला है। अब कट कर दीजिए। अब उस पे बघार डाल दीजिए। आप देख सकते खमन कितना स्पॉन्जी हुआ है। ये खमन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब धनिये से गार्निश कर दीजिए। अब खाने के लिए खमन तैयार है।